टाइम लेफ्ट हां यस यस वन नंबर फर्स्ट फ्लोर मैं यहाँ पे ऊपर 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 थैंक यू तमन्ना भाटिया और ऑफ कोर्स तमन्ना टाइम और अब जो तमन्ना आई है विद द हॉट इंडियंस तमन्ना कैन वी हैव अ हुक स्टेप प्लीज द सॉन्ग दैट इज मोस्ट वायरल राइट नाउ ए खाली बजे अभी रुक जा यस यस ए अरे कौन है भाई संजय संजय ऊपर बैठे ऊपर बैठे ऑन माइक यू यू प्ले द सॉन्ग इन इतनी बारिश में मुंबई में एवरी डे यू गाइज मेक इट टू वर्क एंड आज मैं जानती हूँ बाहर कितनी बारिश थी और सब आए हैं सो थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है एंड कावाला जब मैं शूट कर रही थी जो तमिल वर्जन है आई थिंक इट हैड जस्ट द बेस्ट टीम देना शूट करते वक्त एंड हम जानते थे हम एक अच्छा गाना शूट कर रहे हैं लेकिन जब ये गाना रिलीज हुआ आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज कि वैसे तो मतलब सब रील्स बनाते हैं बट आई वाज लाइक मुझे रील बनानी है एक रील बनानी है एंड एंड या जस्ट वेंट अहेड मेड अ रील एंड देन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इंस्टाग्राम नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल अभी मेरा नोटिफिकेशन बंद ही नहीं होता बहुत सारे लोग रीमिक्स रील रीमिक्स रील रीमिक्स रील रीमिक्स रील इज गोइंग ऑन माय इंस्टाग्राम एंड लोगों ने बहुत सराहा है इस गाने को काफी सारी बार हम फिल्मों को प्रमोट करते हैं यहाँ पर ये गाना हमें आप तक पहुंचा रहा है और लिटरली लाइक वी आर ऑलमोस्ट लाइक वी हैव टू प्रमोट दिस सॉन्ग बिकॉज एवरीवन हैज लव्ड इट सो मच एंड जेलर इज अ फिल्म दैट्स वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी रूटेड फिल्म and I'm looking forward to actually interacting with the media on this pehli baar mumbai mein kar rahe hain to would like to give it time to talk to everyone from the media absolutely yeah but I'm going to actually call somebody who's very excited also been intentional and I'm doing everything that excites me ignites a fire in me and luck seems to be favoring that luck is favoring the brave in a very nice way and now her brave request is Please go ahead. The content is the most important aspect, and be it male or female, like आज एक heroine का part या आज ये गाना a guy can't do right. Like you need a actress to do it. Nobody would watch it if it was being done like that. So everyone has their part. In fact, ये film सबसे बड़ा सबूत है इस बात का. इतनी बड़ी film है, इतने बड़ी style पे बनाई गई है. रजनी सर हैं, मोहनलाल सर हैं, शिवराज सर हैं. रम्या कृष्णा मैम है जग्गू दादा इज देयर आई हैव अ यू नो आई हैव अ पार्ट टू प्ले वी आर ऑल प्लेइंग पार्ट्स इन अ मूवी व्हिच इज द विजन ऑफ नेल्सन सर सो आज ऐसा दौर आ गया है कि नोबडी शाइंग अवे फ्रॉम प्लेइंग अ पार्ट बिकॉज एसेंशियली जैसे कभी जब इंडिया मैच जीतती है तो कोई केयर नहीं करता कि किसने कितने रन बनाए अच्छा लगता है जब सचिन सौ कमाता है बट इट्स ऑलवेज नाइस दैट इंडिया जीतती है सो फॉर अस द मूवी इज लाइक दैट वी वॉन्ट द फिल्म टू डू वेल And when that does well, then everyone around it does well. So that's the point. I think I can't talk about an industry overall because that's a very big thing to say. But I can tell you one thing, also that we've not made a pan-India film. We've made a rooted, true to its region,
strong, big, massy entertainer with probably the biggest superstar the country has. And but we're not trying to make a pan-India film here. We're trying to make a film jo logo se jude. And वापस से जब हम कावाला जैसा एक सॉन्ग रिलीज करते हैं, ये हमारे लिए भी एक एफर्मेशन बन जाता है कि जब वो सॉन्ग अच्छा हो, अच्छा ये तमिल सॉन्ग है जिसका टाइटल तेलुगु है, यू नो, सो दैट्स यूनिक. यू नॉर्मली डोंट हैव अ तमिल सॉन्ग विद अ तेलुगु टाइटल. एंड नाउ वी हैव कम टू द हिंदी ऑडियंसेस बिकॉज वी फील लाइक आवर कॉन्टेंट इज स्ट्रॉन्ग दैट इट विल ट्रैवल अक्रॉस लैंग्वेजेस. उसको भाषा की जरूरत नहीं है. तो आई डोंट थिंक इट्स वन इंडस्ट्री ओवर अनदर. It's only about when we are culturally so strong that whenever we take our culture and we celebrate it, we automatically we are at least hoping ki pure desh tak pahunche. So yehi hamara prayas hai. Dimag bahut zaruri hai. Dimag ko kahin nahi chhodiyega. Hum nahi chhodte taki aapko bhi apna dimag ghar pe nahi chhod ke aana pade, taki aap bhi apna dimag cinema theater mein leke aa sake. Hamara to yehi prayas hai. Nahin, sir, I think dil ki sunna bahut zaruri hai. बट जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो तभी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है. और ये बहुत ही एक सुंदर फेज है मेरे करियर का जहां मुझे अलग अलग प्रकार के किरदार निभाने का मौका मिल रहा है एंड लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं. जैसे इसी कुछ इन दो महीनों में बहुत ही वेरीड किस्म का काम करने मिला है मुझे. एंड आई एम रियली थैंकफुल आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दिस टाइम दैट आई स्पेंड इन द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. सन पिक्चर्स वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द तमिल वर्जन. And UFO Media, thank you, sir. Thank you for presenting us to the Hindi market. And I hope this film does well for all of us. Sun Pictures aur mera bahut hi purana rishta hai because I, even before I became a popular face in the South Indian film industry, I've done a lot of ads for their brand. And yeah, it's always been... Salil, ka jawab dene ke liye, lekin hum aa jaye hain. आपके साथ जब मैंने अपना करियर शुरू किया था पहली बार, आई रिमेम्बर गोइंग इन टू अ थिएटर इन इंटीरियर तमिलनाडु. एंड मैं एक तभी ना थिएटर में जगह नहीं बची थी, बट वो जानते थे कि मैं आ रही हूँ. सो दे एक्चुअली पुट अ स्टील का चेयर फॉर मी सो आई कुड सिट एंड वॉच रजनी सर ऑन स्क्रीन. एंड मैंने पहले 10 मिनट फिल्म देखी नहीं क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था बिकॉज क्योंकि लोग सिर्फ यू नो अलग अलग चीज़ें उड़ा रहे थे. स्क्रीन वॉज कवर्ड विद फ्लावर्स विद सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. And that is the hysteria he's had in movie theaters. And मैं स्टील के चेयर पर बैठ के मैंने फिल्म देखी है. So I cannot tell you that today it's a matter of great pride for me to actually be a part of his film and take it to even the audiences here in Mumbai. And yeah, उनसे ये तो सीखा है मैंने कि हमेशा लोगों का आदर करना चाहिए. वो अपने फैंस को बहुत ज़्यादा acknowledge करते हैं, प्यार देते हैं. उन्होंने कभी भी अपने किसी भी फैन को अवॉइड नहीं किया या उन्हें अटेंशन नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं कि ऑडियंसेस के प्यार की वजह से ही उनका आज ये इतना बड़ा दर्जा है. तो एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर ये उनसे मैंने सीखा है. और मैं चाहूँगी कि जब जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करूँ मैं उनको प्यार दे सकूँ बिकॉज उन्होंने हमें प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिया है. सो दैट्स समथिंग आई टेक चलो यहाँ पे थैंक यू मैम.